चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण नागपुर की ओर से नागपुर में वडाला यहाँ आयोजित किया गया भारतीय योद्धा ब्लड कैंप, जहाँ पर केंद्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद देवले, साथ ही उनके अंगरक्षक विजय इनवते, इन्होंने रक्तदान कर किया सबसे बड़ा दान। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। नमस्कार, आज हम आए हैं नागपुर के वडाला यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं। चैतन्य मैडम एक मिनट बोर्ड दिखाएगा दर्शकों को। चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण नागपुर, इनकी माध्यम से आज यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ साथ रक्तदान शिविरार्थियों को एक संगीतमय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, और साथ में ही यहाँ पे कोरोना योद्धा जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा रहा है। तो ये संस्था जो चलाते हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके परिश्रम से यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम सीधी से बातचीत उनसे करेंगे, और एक स्पेशल हम बता देंगे कि ये संस्था जो चला रहे हैं, ये साइबर क्राइम के नागपुर के हेड जो सर है यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है, पुलिस प्रशासन में कार्यरत है, और सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी अच्छा यहाँ पे कार्य चल रहा है। और स्पेशली इनकी आवाज भी स्टेज पे जब जाते हैं तो गायकी का काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे समाज कार्य भी करते हैं, और प्रशासन में शासन में रहते हुए साइबर क्राइम रोकने का भी काम ये करते हैं। सीधी बातचीत करेंगे उनसे कि सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो समाज कार्य का जो बीड़ा आपने उठाया है वो ये संस्था के माध्यम से कर रहे थे, कब से कर रहे हैं और क्या रुचि इसमें? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा जो परिचय दिया उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा कि आई एम अ पुलिस ऑफिसर, तो एनजीओ फिलहाल तो रन नहीं कर सकता हूँ, बट आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू श्रीमती सुनीता ठाकरे मैम, तबस्सुम मैम, हाफिज भाई और उनके एंटायर टीम, जो कि चैतन्य जनता सामाजिक संस्था चलाते हैं। ये एक ऐसा एनजीओ है जो हमको सबको पता है कि बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के काम करते रहते हैं। आज उन्होंने जो प्रोग्राम आयोजित किया है, वी ऑल नो दैट ब्लड इज द एसेंस ऑफ लाइफ, दे से दैट ब्लड इज द एसेंस ऑफ लाइफ, और जब तक हमारे शरीर में खून है और वो यू नो बह रहा है तब तक हम जिंदा है, वरना खून अगर बहना रुक गया तो एवरीथिंग इज डेड, यू नो। सो आई एम रियली थैंकफुल टू सुनीता मैम एंड हर वंडरफुल टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग टूडेज वंडरफुल प्रोग्राम, की जहाँ पे उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हम सबको पता है कि जब जान बचने की या जान जाने की नौबत आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है खून, और ये खून जो आज रक्तदान शिविर के माध्यम से जमा होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से, वो पता नहीं कितने लोगों की जान बचाएगा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हर एंड हर वंडरफुल टीम, वी मस्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ देम। और जब कोई अच्छा काम कोई करता है तो पुलिस हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई यू नो पॉलिटिशियन हो, मीडिया हो, वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया दैट यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन वाया द मोस्ट इफेक्टिव काइंड ऑफ मीडिया, यू नो। तो इन लोगों को हमने सबने सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। हालांकि ये लोग बहुत कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है अपना काम करने में, और मैडम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कुछ इंटरनेशनल गैंग्स से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारी विक्टिम्स जो प्रोस्टिट्यूशन की या किसी और क्राइम की शिकार हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस हो या और कोई हो, शी इज़ रनिंग द एनजीओ वंडरफुली वेल, और उसके माध्यम से बहुत सारी विक्टिम्स को उन्होंने न्याय दिया है। सो वी आर सपोज टू हेल्प एंड सपोर्ट हर। ओके, थैंक यू सर। जैसे कि सबसे बड़ा दान रक्तदान है, और जो कार्यों ने मैडम के बारे में बताया है, संस्था के फाउंडर यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले तो हम थैंक्स बोलना चाहेंगे, हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये जो सबसे बड़ा दान जो कार्यक्रम है रक्तदान, वो आप रक्तदान शिविर के माध्यम से ये भी रक्त जमा करें, किसी ना किसी की जान उससे भी बचेंगी। तो हमसे बातचीत करेंगे कि आप कब से इस कार्य में? मुझे आज 15 साल हो गए हैं मैं ये कार्यक्रम लेती हूँ, और मैं संस्था में भी हूँ। मैंने जो चीज़ ये आज मैंने ज्वाइन करी हूँ, और मैंने ये सोची थी कि जो चीज़ मेरे पे बीती थी, जो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी, तो मैंने ये मुहिम सोची कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने ये महिलाओं के लिए मैंने ये अपना संस्था खड़ी करी हूँ कि महिलाओं को न्याय मिले। कभी कभी पुरुष भी पीड़ित रहते हैं तो मैं पुरुष के लिए भी दौड़ती हूँ, तो मैंने ये सोची हूँ ये चीज़ के लिए। चलो अच्छी बात है, महिला पीड़ित के लिए तो कोई भी दौड़ता है, लेकिन पुरुष पीड़ित के लिए भी मैम काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे साथ में इनके साथ भी जुड़े हुए जो साथ में काम करते हैं आपके, उनसे हम बातचीत करेंगे। कैसा लगता है आपको ये, जैसे काम बर्च हो रहा है, तो कैसा लगता है?
जी सर, बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम जो काम कर रही है वो औरतों के लिए कर रही है, जो महिला बहुत पीड़ित है उनको न्याय चाहिए उनके लिए कर रही है, और साथ में एक अभी आपने जैसा सुना है कि हम प्रताड़ित पुरुषों के लिए भी काम कर रहे हैं, है ना, तो एक खुशी है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, वो एक खुशी हमारे में है, और डेफिनेटली मैडम के साथ हम काम करेंगे और आगे तक चलेंगे। मैं आज ये कार्यक्रम का जो हमने कार्यक्रम रखे हैं, तो ये सबसे मेन हमारे यहाँ पे उपाध्यक्ष साबरी जो है, तो सबसे वो इतना अच्छा काम करता है, हमारी जो टीम है, तबस्सुम मैडम है, सर है, सर का तो हम मेरे को हमेशा सपोर्ट रहता है, कोई चीज़ किसी के साथ हुई तो मैं पहले सर को कॉल करती हूँ कि सर ये कैसा करना चाहिए, तो मैं वो मुझे गाइड्स करते हैं कि ये चीज़ ऐसे से ऐसा करना है, और तबस्सुम मैडम तो ना जवाब है कि मैं हर चीज़ उनसे पूछती हूँ कि मैडम ये चीज़ करना है तो कैसी करना है, तो मैं मैडम के साथ में रह के बहुत कुछ सीखी हूँ, और सबसे मेन बोले तो आज हफीज साबरी जो है, ये बच्चे का नाम लो तो उड़ान भरी है, ये आज छोटा सा है मगर इतना टैलेंट है कि मैं बता नहीं सकती, बस मुंह से आवाज़ निकले हमारे कि साबरी मुझे ये कार्यक्रम रखना है, आज वो बंदा इतने ताकत से 2 दिन में ये इतना बड़ा कार्यक्रम उसने रखा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और ये कार्यक्रम स्पेशली फिर से हम आएंगे इनके तरफ भी, जिनकी पर्सनैलिटी और जिनका वर्क एक जैसा, धनी ने बोले कि पुलिस प्रशासन आज की तारीख में अगर अब जब गाड़ी लेके निकलते हैं, अगर पुलिस वाले को देखते हैं तो पहले से देखते हेलमेट है क्या, मास्क है क्या, ये है क्या, नहीं है तो पीछे से गली से निकल जाते हैं, लेकिन अगर इनके जैसे लोग अगर खड़े रहे और कार्यरत है तो सही में एक ये सोचने वाली बात है और सीखने वाली भी बात है कि जो अपन छवि बोलते हैं पुलिस प्रशासन के प्रति, ये इन लोगों के माध्यम से ही वो छवि बदलती है और लोग इनके तरफ जो देखने का नजरिया है जो बदल रहा है। फिर से हम थैंक्स सर कि आप पुलिस प्रशासन में होते हुए भी इतने बड़े काम में आपका सहयोग दिया है, बहुत ही हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही विशेष खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, हमेशा बने रहिए KMTV के साथ। धन्यवाद।